ये टायर चिपक गया है, रबड़ वापस चिपक गई। वो रबड़ तो अरे उसे वो नीचे खड़ा हुआ भाई। अरे उधर साइड, उधर साइड। हाँ हाँ इधर इधर। थोड़ा सा गाड़ी को हम कर लेते हैं वार्म अप, थोड़ा टायर वगैरह ब्रेकिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं। ब्रेक्स में मेरा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एबीएस मेरा नहीं चल रहा है शायद। अच्छा ये शायद पानी की वजह से मेरी ब्रेक्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये जाम हो जा रहा है ब्रेक, तो स्पीडोमीटर भी नहीं चल रहा है अभी फिलहाल। कुछ तो प्रॉब्लम इसमें आया है आज। आई थिंक एबीएस भी शायद ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो आज शायद आपको मेरे मीटर पर स्पीड ना दिखे क्योंकि स्पीडोमीटर नहीं चल रहा है। शायद कुछ प्रॉब्लम आई है बाइक में, आगे स्पीडोमीटर वाली वायर में और एबीएस की वायर में, तो एबीएस भी पता नहीं चल रहा है या नहीं चल रहा है। देखते हैं वो वीडियो के आखिरी में, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तभी पता लगेगा। और तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया कि एबीएस नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से आप देखिए इंजन चेक लाइट जलने लग गई है, क्योंकि एबीएस का सेंसर जो है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, इसके वजह से हमारी इंजन चेक लाइट जलने लग गई है। तो जैसे ही हमारा ये एबीएस का इशू रिजॉल्व होता है तो ये भी रिजॉल्व हो जाएगा। फिलहाल स्पीडोमीटर हमारा चलने लग गया है, देखिए 53, 54, देखते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्पीडोमीटर से हमारा चलने लग गया, बट एबीएस में अभी भी प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, जिसकी वजह से एबीएस काम नहीं कर रहा है और लाइट अभी कंटिन्यूस जल रही है। तो इसको करेंगे हम राइड के बाद घर में चेक। हेलो 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 हेलो, क्या हाल है, क्या हाल है बहन के, चमका के रखी हुई भाई, क्या हाल है ब्रो, मौत कर दी तुमने। देखो भाई क्या हाल है तुम्हारे, कहाँ गायब हो गए थे तुम। हेलो भाई अंकित, तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर वीडियो ऑफ दिस ब्लॉग। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं सप्लाई से और बाकी के राइडर्स भी आ चुके हैं, तो सारे लोग गाड़ियाँ फेलते हुए और देख सकते हो आप बहुत सही नजर रहा है, क्योंकि इतने टाइम बाद हम राइड से निकले हैं और बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था, पटक के चोट देंगे चल निकल मार हो गया था, हमने कोई भी राइड एक साथ नहीं कर रही थी। तो फाइनली जैसे थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है हम एक राइड से निकले हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी। क्योंकि एबीएस काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में, तो थोड़ा सा हम लिमिट में रखेंगे अपनी गाड़ी को, क्योंकि कुछ टेक्निकल खराबी है तो कोई हादसा भी हो सकता है, तो इसीलिए हम चलेंगे थोड़ा आराम से ही। तो गाइस आप देख सकते हो क्या सही है, मतलब उधर पूरा पहाड़ है, पूरा जंगल और सामने पूरा आप देख सकते हो देहरादून के दिख रहा है घर और पूरा मस्त जंगल, और यहाँ पर हमारी राइड, इधर पूरा पहाड़ है। तो यार आज की राइड बहुत सही हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, लोकेशन आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा अच्छी है। यही तो चाहिए जनता को, यही चाहिए। तो टायर चिपक गया, रुक जा। अरे कोई नहीं, अभी चलते चलते निकल जाएगी यार। ये टायर चिपक गया है, रबड़ वापस चिपक गई। वो
रबर तो उसमें लगती है ना रोड में घिस के, वो वापस चिपक गई। गुस्सा ना आओ, पापा भी खड़े हैं बगल में। क्या ये? हाँ। ये कुछ नहीं है पापा। दो देखो, वो देखो। दो पापा। दो पापा है, दो पापा। एक भी नहीं है। वो देख उधर की है। फील आता है बेटे। ऐसे ऐसे क्यों कर रहा? फिर फील फील के नाम पे ऐसे ऐसे कर रहा है। समझ जाओ। रोशन है रात और सुबह मेरी अंधेरी सी, बीते लम्हों को बुला के वो थोड़े से चुरा के, बीते लम्हों को बुला के वो थोड़े से चुरा के, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए, पल धीरे धीरे बहता जाए जाए। यार आज की राइड में इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो रोड जो है वो पूरी खराब है, और मतलब हम ना ही स्पीड कर पा रहे हैं, ना ही हम कॉर्नरिंग कर पा रहे हैं, तो जिसके वजह से यार इतना फील नहीं आ रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि हम चले जा रहे हैं। तो यार बाकी राइडर्स का भी यही हाल है, उनको भी मजा नहीं आ रहा है। हाँ मेरे बगल से तो निकला है, मैं कह रहा था रे, रेस अटक गया ना, ब्रेक भी नहीं लगती भाई। ये रेस की वायर वायर सब चेंज करने में जो बताया रेस अटक जाती है उसकी, मैंने पूरी जड़ तक दी, अभी देखा नहीं कैसे हुआ। मैंने दिखाया भी रेस ठंडा लगा बगल में थे मेरे, नहीं उसके समय के बगल पीछे चल रहे थे, देखा होगा। हाँ पूरा आया है, टेंशन की क्या बात है। अरे वो तो मैंने यू क्लोज कॉल करके थोड़ा सा बच गया, रोड नहीं अच्छी, डेंजरस कॉल, डेथ कॉल, डेथ कॉल, वो तो बनी होगी। हाँ ये तो डेथ कॉल है सीधा, क्लोज कॉल भी नहीं डेथ कॉल था ये। रुक जा, मेरा नहीं है। अच्छा दोबारा देखिए दूसरा वाला, तुमने दूसरा वाला दोबारा देखना, बता रहा हूँ उसे वो नीचे खड़ा हुआ भाई। अरे उधर साइड, हाँ इधर तुम लोगों ने देखा नहीं क्या? ना देखा मैंने। अरे यहीं से तो नीचे गया। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।